Force between two identical spheres charged with same charge is F. If 50% charge on one sphere is transferred to the other sphere, ठीक है, तो I think ये पहले भी question कर चुका हूँ, मुझे पता नहीं. तो एक force between two identical sphere, पता नहीं question मुझे लग रहा है जैसा पहले भी किया है. चलो खैर पता नहीं, Q है और Q है. फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों आइडेंटिकल है, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा. ये रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये फोर्स हो जाएगा. तो फोर्स को हम लिख सकते हैं, आसान है, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस. तो डिस्टेंस तो फिक्स ही है, डिस्टेंस आर ले लो, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. अब क्या क्या दूसरी सिचुएशन में, क्या क्या इसी डायग्राम में, इफ 50% ऑफ वन, 50% चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर्ड टू, 50% कितना होगा, आधा. तो आधा इसमें से निकल गया बचा, आधा q बाई टू बचा, आधा इसमें आ गया, तो ये हो गया q प्लस q बाई टू, यानी 3q बाई टू हो गया. ठीक है, डिस्टेंस वही है, तो अब फोर्स हो जाएगा f डैश इज इक्वल टू k इंटू कितना हो जाएगा, 3 बाई टू क्यू, 3 बाई फोर ना, q बाई टू इंटू 3 क्यू बाई टू कितना हो जाएगा, 3 बाई फोर. मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग कर चुके हो एक बार. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई थिंक ये k हो गया और ये q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, f के बराबर. तो f डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 बाई फोर एफ के बराबर, 3 बाई फोर f. तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, है ना, तो पहला आंसर इसका करेक्ट. नाउ आई थिंक समझ में आ गया होगा. लेट्स टेक सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन देखो, वेयर इज सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट वन सेकेंड ही है ना. एक मिनट, तो फर्स्ट वन था, ये सेकेंड है, इसको भी अलग पेज पे कर लेता हूँ. सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट है, टू चार्जेस 4q एंड q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस l, अ थर्ड चार्ज q इज प्लेस्ड एट द मिडिल ऑफ देम, रिजल्टेंट फोर्स ऑन q इज जीरो. देन तो एक चार्ज कितना है, 4q है, दिस इज 4q, ठीक है, एंड q, तो दूसरा वाला हम q ले लेते हैं, दिस इज q, एंड अ थर्ड चार्ज q इज प्लेस्ड एट द मिडिल ऑफ देम. मिडिल में थर्ड चार्ज रख दिया, तो पहले तो एक डॉटेड लाइन बना लेता हूं, चलेगी एकदम मिडिल में, कैपिटल. इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज जीरो, इस पे जीरो नहीं है, इस पे जीरो है, मिडिल पे रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस अगर मिडिल लेनी है तो ऑब्वियसली बराबर ले लो, एल एल ले लो, है ना, आधी डिस्टेंस एल लेनी, आधी डिस्टेंस एल लेनी, ठीक है. तो कैपिटल क्यू इसको स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, है ना, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू हो जाएगा. एंड फोर क्यू जो है, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, देन अच्छा ऑब्वियसली जो क्यू होगा वो निगेटिव होगा, क्यू, क्योंकि फोर क्यू तो निगेटिव हो नहीं सकता. एक मिनट थोड़ा गड़बड़, पहले q का साइन डिसाइड करना पड़ेगा. 4q तो रिपेल करेगा इसको, यानी 4q का फोर्स तो ऐसे होगा, फोर्स ड्यू टू 4q ऐसे होगा, और कैपिटल q को इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, यानी ये नेगेटिव, तो कैपिटल q इधर लगेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड, तो अब कर लो जो करना है.
any force due to capital Q? Force due to capital Q is equal to force due to 4Q. Force due to capital Q कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस L के बराबर है, दैट इज कॉन्स्टेंट इंटू, कुछ भी गड़बड़ हो पता फटाफट बताओ, Q इंटू स्मॉल Q डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर, Q रिपल्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 4Q इंटू Q, तो ये हो जाएगा 4Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब जो करना है कर लो, के कैंसिल हो गया और ए क्यू कैंसिल हो गया, ए क्यू कैंसिल हो गया, एल का स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल का स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा फोर, तो यू कैन राइट इट, हम इसको लिख सकते हैं कि कैपिटल क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टू का स्क्वायर फोर आएगा, नहीं कैपिटल क्यू की वैल्यू स्मॉल क्यू के बराबर आ जाएगी, और निगेटिव होना चाहिए, तो आंसर टू होगा, वन नहीं होगा, ठीक है। कैपिटल क्यू का साइन निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव होगा तभी बैलेंस होगा, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर टू, ईजी थी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ज़्यादा ईजी भी नहीं। क्वेश्चन नंबर टू हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री इसी पेज पे लेता हूँ, मैं कंफ्यूज हुआ कहाँ पर मैंने लिखा, नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, टू चार्ज आर प्लेस्ड एट शोन इन फिगर, ठीक है। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट रिमेन एट रेस्ट, तो दो चार्ज हैं आई थिंक 9E और 16E, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, 9E और 16E, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर है। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड सो दैट, अच्छा ये देख लेना कि फ्रॉम 9E, फ्रॉम 16E, फ्रॉम 9E, तो आंसर दोनों से दिया है, तो 9E से ले लो, मान लो यहाँ पे रखा है एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस, तो इस चार्ज को 9E तो रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू 9E, फोर्स ड्यू टू 9E, आई थिंक दिख ही रहा होगा, और ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू 16E अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स ड्यू टू 16E, फोर्स ड्यू टू 16E, ठीक है, 9E और 16E, तो अच्छा दोनों को बराबर कर दो, यानी फोर्स ड्यू टू 9E बैलेंस के लिए क्या होगा, फोर्स ड्यू टू 9E इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 16E, इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 16E, 9E से जो डिस्टेंस है वो x के बराबर, 9E से जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू x के बराबर, तो कांस्टेंट तो वही रहेगा k, 9E से डिस्टेंस है x के बराबर, ठीक है। और थर्ड चार्ज कोई भी रख लो q, थर्ड चार्ज की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो कुछ भी मान लो, है ना, तो ये हो जाएगा 9E इंटू q डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, 16E से देख लो कांस्टेंट k वही रहेगा, ठीक है। अच्छा अगर 9E से डिस्टेंस x के बराबर है तो 16E से कितनी होगी, 70 माइनस x, है ना, तो 16E इंटू q डिवाइडेड बाय 70 माइनस x का स्क्वायर, 70 माइनस x का होल स्क्वायर, आई होप यू अंडरस्टैंड, तो EQ कैंसिल हो जाएगा, KK कैंसिल हो जाएगा, EQ कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, ये आसान पड़ता है ना,
इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, उसमें एक तरीका होता है दोनों साइड स्क्वायर रूट, तो ये सबसे आसान तरीका होता है। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, है ना, 16 का स्क्वायर रूट 4 ले लेंगे और ये आएगा 70 माइनस एक्स। आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा क्योंकि यूनिट सारी कैंसिल हो रही है। इसमें देखो इस तरह के सवालों में मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऊपर वालों की यूनिट सेम होनी चाहिए और एक्स ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा, तो कन्वर्जन की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो बस क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 3 × 70 − x, 70 − x इज इक्वल टू 4x, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 21 7x, सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 30 cm, 30 cm फ्रॉम 9, यस पहला ही वाला सही है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सब ठीक ठीक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया, 3 उठा लिया मैंने, 3 के बाद चौथा उठा लेता हूँ, तीसरा था मैं। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, 2 बॉल कैरिंग चार्ज 7 μC, सर 4 भी सही है, इसका मतलब वो, अच्छा 4 भी सही है, एक सेकंड मैं देखा नहीं, ओके 4 भी सही है, हाँ 4 भी सही है, अच्छा 30 cm फ्रॉम, अच्छा तो 40 cm फ्रॉम 16 ही हो जाएगा, अच्छा मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी, फिर आंसर होगा 4, है ना, इसमें देखना ऐसे, तो सही आंसर 4 होगा, 1 2 b, हाँ 30 cm फ्रॉम 9 ही और 40 cm फ्रॉम 6 ही, यानी आंसर होगा 4, आंसर 1 नहीं होगा फिर, ये सिंगल ऑप्शन वाले हैं, तो जिसने पहला लगाया उसको नेगेटिव, सही करने के बाद भी देखो मेरे जैसा होगा नेगेटिव मार्क मिलेगा, तो कई बार ऐसा होता है इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, सही से सॉल्व करके आते हैं, आंसर भी सही लगाते हैं, आगे देखते ही नहीं है, चलो आंसर आ गया, आगे देखा नहीं, वो होता है हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में आगे देखा ही नहीं, ऐसी सिली मिस्टेक्स भी होती है, है ना, तो इसका भी ध्यान रखना। तो मेरी तरह मैं 1 लगा के चला आता और मुझे -1 मिलता, जबकि मैंने किया एकदम सही है, मुझे आता है परफेक्ट आता है, तो ये ऑब्जेक्टिव का ड्रॉबैक है, कई बार बच्चे को आता है तब भी वो नेगेटिव मार्क पाता है, तो नेगेटिव मार्क भी अच्छे बच्चों के ही आते हैं, है ना। चलो कुछ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 बॉल्स कैरिंग चार्ज, थोड़ा सा सेटिंग चेंज करके तो लिखने में, 2 बॉल्स कैरिंग 7 μC और -5, हमारे पास 2 बॉल्स है 7 μC, एक बॉल के पास 7 μC है, 7 μC है, और दूसरी बॉल के पास -5 μC है, चलो ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स, अट्रैक्शन तो होगा ही क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा विद फोर्स F, ठीक है, एंड इफ चार्ज -2 μC एडेड टू बोथ, -2 μC मैंने दोनों में ऐड कर लिया, तो अगर मैं इसमें -2 μC ऐड करूंगा तो यहां तो 5 μC हो जाएगा, और इसमें -2 ऐड करूंगा तो -7 μC हो जाएगा, ठीक है, दोनों अब भी अट्रैक्शन ही होंगे क्योंकि अब द फोर्स, बस फोर्स चेंज हो जाएगा, तो फोर्स अब एफ डैश हो जाएगा रेड वाला, मैंने डायग्राम एक ही में चेंज दिया दोनों, ठीक है, मुझे दो ना बनाने पड़े, एक ही डायग्राम से काम चल जाए, तो पहला वाला क्या होगा, F इज इक्वल टू K कांस्टेंट, ठीक है, 7 × 5 = 35, दूसरा भी 5 × एक मिनट कुछ नहीं है इसमें, रुक जाओ, कभी कभी दिमाग भी लगाना चाहिए, इसका भी 7 × 5 आ रहा है, यहां भी 5 × 7, फोर्स तो उतना ही होगा, ठीक है, इसमें देखो टाइम बचा सकते थे, अब मेरी तरह होता करने लग जाता, चेक करने लग जाता, फिर देखा देखो 7 5 ए भी है, 5 7 ए भी है, तो फोर्स होता ही रहेगा,
है ना, पहला आंसर होगा. तो कभी कभी ये होता है, ये विद इन सेकेंड हो जाएगा. बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो, इसीलिए फुल ऐसे लंबे टेस्ट की 5 क्वेश्चन एक साथ हैं, उस तरह से कुछ लॉजिकल भी होंगे. चलो चौथा भी उठा लिया मैंने. एक मिनट, क्या हो गया? चौथा भी उठा लिया, चौथा भी हो गया. बस पांचवा एक क्वेश्चन और रहेगा. लास्ट क्वेश्चन है ना, 4 का 1 है. हाँ, ये अभी क्यों सेंड कर रहे हो? अब मत सेंड करो, अब मैं टाइम देखूंगा किस समय सेंड किया. अभी इस पे सेंड करो, अभी अभी तो लाइव चैटिंग चल रही है, तो लाइव उसमें आंसर आई होप कि तुमने पहले ही सेंड कर दी हो. ठीक है, अब एक्सेप्ट नहीं होंगे. अभी किसी ने आंसर, मतलब टेस्ट के बाद वाले आंसर ही माने जाएंगे, तो बाद वाले आंसर मैं कैंसिल कर दूंगा. सबका टाइम होगा ना. तो नाउ फिफ्थ, 4th का 1 ही है वो तो वही रहा. 5th क्वेश्चन जो आंसर पहले ही भेजने थे, ये है. Two small sphere each of charge Qs are suspended by insulating thread. Two small sphere each of mass Q suspended by insulating thread of length L from the hook. The arrangement is taken in space. There is no gravitational force. Then the angle. ये थोड़ा सा हल्का सा logical question है. मैं इसको समझाता हूँ. अगर डायग्राम ज्यादा सुंदर नहीं होता हूँ, ऐसे रख लिया. ये है, सपोज ऐसे जो है, टू स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग चार्ज क्यू सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड. तो ये इंसुलेटिंग थ्रेड से ऐसे, ठीक है, दो आइडेंटिकल स्फीयर है. डिजाइनिंग नहीं करूं तो इनमें फोर्स एफ लगेगा, ऐसे रिपल्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा, और दोनों का वेट होगा. वेट की वजह से ये स्ट्रिंग नीचे रहेगी, ठीक है, ड्यू टू वेट, है ना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ऑब्वियसली जो वेट है वो अर्थ लगाती है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ड्यू टू वेट नीचे रहेगी. अगर हम ले जाएं इसको फ्री स्पेस में, ठीक है, स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, अगर इसको हम हटा लें, तो सिर्फ एफ होगा. तो सिर्फ एफ होगा तो इस फोर्स की वजह से ये स्ट्रिंग जो है ऐसे, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चली जाएगी. एंड फाइनली इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, और फाइनली इट विल बी स्ट्रेट. इसको मिटा दो, फाइनली ले जाते ये स्ट्रेट हो जाएगी ऐसे. मतलब फाइनली कितनी हो जाएगी, इसको थोड़ा इधर बना लेता. तो अगर तुम फाइनल डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसे होगा, मतलब फोर्स हॉरिजॉन्टल की तरफ लग रहे हैं और फोर्स इसको स्ट्रेट कर देंगे. मतलब एक स्फीयर ऐसे हो जाएगा ये, और दूसरा ऐसे हो जाएगा. सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब तो साफ है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एल एल होगी. ठीक है, एंगल बिटवीन टू थ्रेड विल बी 180 degrees, क्योंकि स्ट्रेट हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री का एंगल होगा. एंड फोर्स विल बी सेम, फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो. अच्छा, ये ग्रेविटेशन जैसा लग रहा है, फोर्स भी ब्लू से लिखा था, या ग्रीन कलर चलेगा. वेट लिटिल बिट कलर्स. Now, फिर ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर. चार्ज दोनों पे सेम ही है, तो क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल प्लस एल, 2l का स्क्वायर. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो आंसर क्या होना चाहिए, जी हाँ, पहला वाला आना चाहिए. ठीक है,
ओके, तो इस तरह से ये टेस्ट का